हेलो एवरीवन, ये भिडियोटा मुझे लगी बनाऊे जेन मैंने कि पीजी लगी ओडिशा पीजी लगी इंटरेस्टेड अच्छा तो मुझे कहीदेवार लगी सबको चाहूँ जदि तुम मानक इनफर्मेसन नहीं पहुँची पार्बार दे ओवरअल मुझे कालिका इनफर्मेसनटा से जेन तार नोटा था पूरा बेसी रू बेसी सर्कुलेट कर दीचे सब ग्रुप्रे भी आम एनएसआई ग्रुप्रे भी सर्कुलेट कर दीचे ओके ओवरअल सर्कुलेट से दि जाइए स्टूडेंट मैंने भी बहुत सर्कुलेट कर दीजन तो ओवरअल तुम निके पहुँची जाइवा जदि तुम मैंने इनफर्मेसन नहीं पाई तो मुझे कहीदेव लगी चाहूँ जो ओडिशा पीजी लगी तुम जो इंटरेस्टेड अच तो एप्लीकेशन प्रोसेसटा मे एक तारीख रू स्टार्ट होकर मे दस तारीख सरी जा तो ओनली दस दिन दि जाइए ओनली 10 days तमने हेज गिवेन ओनली 10 days हेज गिवेन सो ओनली मात्र 10 दिन दि जाइए 10 दिन भितर तुमको एप्लाय करबार अच्छे फीस पेमेंट करबार अच्छे सब करबार अच्छे तो तुम मैंने जब छाड़ी देव बोले से जिनिसटा प्रोब्लेम होगा पचे तुम पीजी एग्जाम देवानु तुम बाहर के पलिब पीजी एग्जाम दे ना पार तो मुझे सबको मानक गोटे यहाँ रिक्वेस्ट करमी जिते जल्दी हो 1 तारीख स्टार्ट हो सबे तुम 5 तारीख भितर चेस्टा कर सबे 5 तारीख भितर फर्मटा फिलअप करदे लगे क्या करी 9, 10, 8, 9, 10 लास्ट 2-3 दिन कान नेटा बहुत स्लो हो जाएसी सॉरी साइटा बहुत स्लो हो जाएसी साइटा बहुत स्लो हो जावर फल आमको तमेंटा एप्लाय करवाटा प्रोब्लेम हैसी कैनसी भी एग्जाम हो सेटा लास्ट आड़के नै रखब साइटा स्लो हो जाएसी ओके तो चेस्टा कर जो 5 दिन भितर ये सीपीईटी जेन तमें फर्म बाहर तुम मे 1 तारीख टू मे 10 तारीख तक एप्लाय कर टाइम लाइनटा जेन दे तुम चेस्टा कर जे मे 5 तारीख भितर मे 5 तारीख तक तुम्हें तुम ओवरअल एप्लिकेशन फर्म प्रोसीजर सब फिलअप कर दियो सारी दियो फीस पेमेंट कर दियो आउ तुम एग्जामा जेनटा कि तुम जान 23 जून रू स्टार्ट 4 जुलाई तक 23 जून रू 4 जुलाई तक सब सब्जेक्ट अलग अलग डेट रहा तो 23 जून रू 4 जुलाई तक एग्जाम होगा तो आम पाखे बेसी टाइम नैन तो तुम्हें जब ओडिशा पीजी करवा लगी चाहूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड फर ओडिशा पीजी तुम्हें जब एडमिशन नाबार लगी चाहूँ तुम आखपाखर कलेज यूनिवर्सिटी मानक आम ओडिशार बोले प्रिपेयर करवाटा स्टार्ट कर दियो बिकज बहुत लोग इटा भी देखा लगे पेनी खोजर जो पेपर लेवल के रहा लेट मी टेल यू पेपर लेवल सब बेले ओडिशा पीजी टॉप ही रहसी सो पेपर लेवल विल बी टॉप डेफिनेटली ओके एज इटा अलग अलग सब्जेक्ट लगी चेंज हो पारे कितना सब्जेक्ट अच्छे लाइट पेपर भी आसी बट देयर आर सम पेपर ओके जेनटा कि मेन पेपर मैंने अच्छे जमीक कंपिटन बहुत अच्छे ओके तुम पॉलिटिकल साइंस है जो इंग्लिश है जो तुम फिजिक्स है जो केमिस्ट्री है जो मैथ है जो ओके जिनकी मानक इंपोर्टेंट तुम सब्जेक्ट मैंने अच्छे जेन सब्जेक्ट मैंने कि सब कलेजेस सब यूनिवर्सिटी अवेलेबल अच्छे तो एंता सब्जेक्ट मानक कंपिटन बहुत हाई रहेसी सो अकॉर्डिंग टू दैट कंपिटन से मैंने देखिकी मैंने क्या करुचन तुम क्वेश्चन बनासन तो डेफिनेटली ओके क्वेश्चनटा टॉप ही रहेसी इन मोस्ट केसेस क्वेश्चन विल बी टॉप ओके टॉप ही रहेसी सो तुम्हें जिते पार जो प्रिपेयर कर ये मझे ओके तुम्हें नोट्स मेटेरियल पढ़ तुम्हें जेनटा तुमने तुम सार मानकन भी कनसल्ट कर पार तुम मैंने पढ़ी पार तो इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ सो बेस्ट ऑफ लक सबको ओडिशा पीजी लगी तुम मे जो किसी डाउट अच्छे कहना जो डाउट अच्छे तुम मैंने कमेंट सेक्शन में पचरई पार आतक ही कहार ओडिशा पीजी डेट स्टार्ट होगलान एवं 1 तारीख रू मे 10 तारीख तक एग्जाम होगा 23 जून रू तुम 4 जुलाई तक सो आम पाखे टाइम ही नैन ओवरअल टाइम ही नैन ठीक अच्छे आउ गोटे जिस मुझे कहबारे चाहूँ बहुत छुआ 6 सेम मत पचरुच खरा छुट्टी के खरा छुट्टी के बाबा छुट्टी छुट्टा आई तुम परमानेंट छुट्टी होगा तुम एग्जाम सरला तुम परमानेंट छुट्टी होगा ओके तो तुम 6 सेम लास्ट सेमिस्टर स्टूडेंट मैंने छुट्टी छुट्टार तमें न्याय तुम भाव तुम पढ़ी बस तुम 6 सेम लगी पढ़ी बस संगे संगे पीजी लगी पढ़ी बस यहाँ गोटे कथा डेफिनेटली तुमको मानक टाइम ही नहीं दि जाए तुम्हें 6 सेम लगी प्रिपेयर हो कि पीजी लगी प्रिपेयर हो तुम्हें मझे ही पढ़ी जो दुई थी लगी एका संगे प्रिपेयर हबार के पड़वा टाइम बाहर करवार के पड़वा तुमको ओके ता संगे संगे जिन मैंने बीएड लगी तुम इंटरेस्टेड अच्छ बीएड फॉर्म भी पलै आसवा बीएड फॉर्म भी तुम मे लास्ट तक पलै आसवा डेफिनेटली ओके सो ओवरऑल मुझे यहाँ कहबार लगी थी यहाँ ही कहबार लगी चाहूँ आउ कह किसी डाउट अच्छे तुम मैंने मतलब कमेंट सेक्शन में पचरई पार।